आकिब सिवन न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। इस समय की तस्वीर आप देख सकते हैं, इस समय हम खड़े हुए पिपरारी प्रखंड मुख्यालय में, यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा पा रहे हैं, कमरौली पंचायत से। जी हाँ, हम बात करें कमरौली पंचायत से, जो एक उम्मीदवार थे अभी मुखिया का नामांकन दिए हैं, पहले उनसे बातचीत करेंगे विकास को लेकर। जी हाँ, विकास की बड़ी बड़ी बातें इस 5 साल में कही जाती है। अभी नामांकन का समय चल रहा है, अभी एक कमरौली के पंचायत से अभी एक उम्मीदवार ने अपना नामांकन दिया है, नामांकन को लेकर हम बातचीत करेंगे, विकास को लेकर हम बातचीत करेंगे। काफ़ी उनके समर्थक यहाँ मौजूद है, तस्वीरें देख लीजिए चारों तरफ, जहाँ तक हमारे कैमरे की नज़र पहुँच रही है वहाँ तक उनके दर्शकों की तस्वीर हमारे कैमरे में कैद हो पा रही है। वे जो उम्मीदवार हैं अब वे प्रत्याशी कहलाएंगे, क्योंकि उम्मीदवारी पहले थी, अब उन्होंने कमरौली पंचायत से नामांकन दे दिया है, अब वे उम्मीदवार के रूप में कहलाएंगे। हम उनसे पहले बातचीत कर लेंगे। क्या सुरेश प्रसाद विकास को लेकर क्या कहना चाहिएगा? आज आपने मुखिया पद से कमरौली पंचायत से नामांकन दिया है, अब विकास हमारे पंचायत में आज तक हुआ ही नहीं, क्या आपका संकल्प होगा? मेरा संकल्प है पहला कि भ्रष्टाचार मुक्त कर और पंचायत का एकदम सर्वांगीण विकास कराया जाए। 8 वार्ड में ये शौचालय का सार्वजनिक शौचालय का निर्माण, और वहाँ पर आज तक अभी पंचायत भवन नहीं बना है, उस पंचायत भवन का निर्माण, एक चबूतरा नहीं है हमारे पंचायत में जो कहीं पर 10 भाई बैठ करके कोई विचार कर सके। आज यहाँ आपके दर्शक उम्र है, दर्शकों से हमने बातचीत किया, काफी कह रहे हैं कि आपको समर्थन है, क्यों? इससे 5 साल पहले जो उम्मीदवार थे, क्या उनका विकास ज्यादा नहीं था? कुछ विकास ही नहीं है, नरक बना हुआ है पंचायत, कहीं चल नहीं सकते हैं सड़क पर, इतनी गड्ढा है, पानी नाली बह रहा है, कुछ तैयार नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं किया गया। चलिए धन्यवाद, हम आपका नाम जानना चाहेंगे। अमित अभिषेक जी, विकास को लेकर क्या आपकी सोच है, क्योंकि आप युवा हैं? बिल्कुल, हमारा सोच बहुत पारदर्शी और बहुत ट्रांसपेरेंट है। हम ये बताना चाहते हैं आपको कि जो कमीशन खोरी है, जो मुखिया 5% लेता है, वार्ड मेंबर 5% लेता है, रोजगार सेवक लेता है, पंचायत सचिव लेता है, अगर हम इस सारी चीज़ों को बंद कर दें, 100% पे अगर काम होगा, तो मालूम है अगर जो भी काम एक नंबर होगा, इसके बावजूद वो विकास इतना शानदार होगा कि 10 वर्षों तक उस सड़क पर कभी रेप नहीं लगेगा। आप चले जाइए कमरौली पंचायत में, जेठ बैसाख का पंचायत IAS का भी गांव कहा जाता है। हमारे पंचायत से 7-8 IAS है, हमारे यहाँ कम से कम दर्जन भर बैंकर है, 2 दर्जन से ज्यादा डॉक्टर है, इंजीनियर है, इसके बावजूद जनप्रतिनिधियों ने पिछले 20 वर्षों में 100 करोड़ रुपया विभिन्न योजनाओं के नाम पर आए, आधे कमीशन के नाम पर बांट लिया और आधे 3 नंबर के मटेरियल में बहा दिया। इस चीजों को रोकने के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं, पहली दफा पंचायत का चुनाव। इससे पहले हमारे पिताजी कई दफा एक बार पंचायत समिति में रहे हैं, 2001 से 2006 का सत्र था, उसके बाद 2008 से लेकर के 2019 तक पैक्स का कारोबार इन्होंने संभाला, स्वर्णिम दौर था हमारे पंचायत का, वो पैक्स का दौर, वो उस समय डीलरी का भी काम देखा करते थे, जन वितरण का काम इतना समतामूलक तरीके से हुआ करता था। आप हमारी पंचायत वासियों से पूछ सकते हैं कि उस समय जन वितरण को लेकर के कितना बढ़िया काम चल रहा था। खैर, अभी हम जो जन वितरण को लेकर के भी हमने एक बड़ा सुधार किया है, भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत मुहिम हमारा चल रहा है, उस मुहिम में हमने जो क्वालिटी को लेकर के था राशन का उस पर, या फिर वजन को लेकर के था, उन सारी चीज़ों को लेकर के हमने रेखांकित किया था, और उस पर भी हमको बहुत बढ़िया सपोर्ट मिला है, और हम आगे भी चल रहे हैं, और हमारी आगे का विजन है कि हम होम डिलीवरी करवाएं राशन डिलीवरी में, ठीक है। और विकास के मुद्दे पे एकदम क्लियर है कि किसी भी सूरत में एक नंबर काम हो, एक रुपये की कमीशन खोरी नहीं हो। हमारा जो अभी पंचायत है, हमारे पंचायत में कम से कम 2 दर्जन से ज़्यादा आपको मिलेंगे इंदिरावास के दलाल, वो 20,000 रुपये में एक आदमी का इंदिरावास करवाते हैं, किसी का घर समुचित रूप से बन नहीं सकता है, उनका पैसा लूट लिया जाता है, पहले ही दलाल आकर के पहले ही ब्लॉक में खड़ा रहता है, पैसा उसके अकाउंट में गिरता है, उससे पहले उसका पैसा छीन लिया जाता है, इस तरीके की हालात है। कभी इससे पहले ऐसे हालात नहीं थे, इसे पिछले 5 वर्षों में इंदिरा आवास को लेकर की इतनी लूट खसोट मची हुई है कि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। इस हाहाकार को दूर करने के लिए जनता के ये सम्मान करते हुए हम चुनाव लड़ रहे हैं, और हमें हमका समर्थन मिल रहा है, इसके लिए हम अपने पूरे पंचायत वासियों का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तो पहले पूरी तस्वीरें आप देख लीजिए, इन्होंने कमरौली पंचायत से आज अपना नामांकन दिया है, अगर जनता एक बार इनको फिर मौका देती है तो सारे जो पंचायत के विकास के लिए कार्य होते हैं उनको धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। तो शिवहर से आप देख रहे हैं आकिब रजा की रिपोर्ट।